हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजिक। और आज हमारे पास है ई यूसो कंपनी की तरफ से आने वाला Z11 RGB मैकेनिकल कीबोर्ड। ये हमें RGB लाइटिंग के साथ देखने को मिलता है। इसमें हमें ब्लू कलर के स्विचेस मिलते हैं। बैक साइड में अगर देखें तो हमें यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाती है। ब्लैक एंड ग्रे कलर के इसके स्विच हैं और जो हमारे को इनर जो स्विच देखने को मिलता है वो ब्लू स्विच है। मेड इन चाइना है ये। 61 कीज़ के साथ आता है और RGB बैकलाइट इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। कुछ बेसिक डिटेल्स पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो 5199 की इसमें MRP लिखी हुई है और ये सितंबर की मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी इसमें कस्टमर सर्विस, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इनकेस आप इस यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। बेसिक कुछ अदर लैंग्वेज में यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पर बैक साइड में कीबोर्ड की एक डिज़ाइन बनी हुई है और यहाँ पर हमें ब्लैक कलर और येलो कलर के अंदर पूरा कीबोर्ड का नाम देखने को मिल जाता है। Z11 RGB मैकेनिकल कीबोर्ड, यहाँ पर भी सेम चीज़ है और यहाँ पर कलर लिखा हुआ है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है ब्लैक और ग्रे कलर का। तो चलिए हम आज इसकी करते हैं क्विक अनबॉक्सिंग और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या मिलता है और कीबोर्ड की क्वालिटी कैसी है। तो ये कुछ बबल पॉलीथिन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले ये हमारा कीबोर्ड, इसको हम रखते हैं साइड में और इसके अंदर यहाँ पर हमें एक USB केबल जो कि हमारे कीबोर्ड के अंदर लगेगी और डायरेक्टली कनेक्ट होगी। ये केबल हो गई हमारी और ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा दो टाइप के की हमें को देखने को मिलते हैं इसके अंदर। पहला तो हमारा है स्पेस बार वाला की, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसके साथ हमें एक एस्केप की भी है, वो रिप्लेसमेंट वाली देखने को मिलती है। ये डायरेक्टली अटैच हो जाता है और इसके साथ में हमें पॉलीथिन के अंदर ये इजेक्टर मिलता है जो कि स्विच निकालने के काम आता है। प्लास्टिक वाला है ये और इसके साथ में एक हमें मेटेलिक टाइप में भी देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये भी। और हमारे पास हमें इसके अंदर दो एक्स्ट्रा स्विच देखने को मिलते हैं, एक स्विच इसके अंदर फंसा हुआ है। ये दो हमें जो ब्लू वाले जो स्विच हैं इसके वो देखने को मिलते हैं। इनकेस अगर कुछ भी ख़राब हो जाए कहीं पर कोई स्विच तो हम ईज़िली इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कीबोर्ड ने हमें साथ में दिया है। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में कीबोर्ड किस तरीके का है, क्या उसकी क्वालिटी है और बाकी सब कुछ। ये हमारा कीबोर्ड है जो कि बबल पॉलीथिन के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये हमारी केबल है, यहाँ पर ई यूसो की ब्रांडिंग है। केबल की साइज़ देखते हैं कि कितनी बड़ी है। ये साइज़ डिसेंट है, ज़्यादा बड़ी नहीं। ये खुलकर और बड़ी हो जाएगी, करीब करीब मतलब मीडियम लेंथ है, ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है। अच्छी क्वालिटी की केबल है। यहाँ पर भी हमें अच्छा देखने को मिलता है ताकि ये यहाँ से कहीं कटवट ना लग जाए, तो इसके लिए ये अच्छा इन्होंने दिया है। ऑल्दो ये कॉपर नहीं है, सिंपल सी USB है और ये जो है ये वाला पोर्ट हमारा कीबोर्ड के अंदर जाता है। तो चलिए इस केबल को भी रखते हैं अभी साइड में और मेन कीबोर्ड की तरफ देखते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड है, को हम निकाल लेते हैं। दिस इज़ द कीबोर्ड। ई यूसो की ब्रांडिंग यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा और थोड़ा टफ इसका मटेरियल है। यहाँ पर हमें ब्लू कीज़ देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड में यहाँ पर हमें कुछ डिज़ाइन देखने को मिलती है। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ई यूसो का नाम लिखा हुआ है, RGB मैकेनिकल कीबोर्ड, मॉडल नंबर और सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर रेटिंग दी हुई है और बाकी जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सब लिखा हुआ है। ये प्रोडक्ट जो है मेड इन चाइना है और उसके अलावा यहाँ पर हमें इसको हम ऐसे खोल कर और टिका सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी भी। और यहाँ पर हमें कुछ रबर पैडिंग मिलती है जिससे फिसले ना।
इस साइड में हमें हमारी यूएसबी लगाने का ऑप्शन मिलता है, जो कि और भी सही चीज़ है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टाइप करते हैं तो आवाज़ आती है इसके अंदर अच्छी खासी। मैकेनिकल कीबोर्ड इसीलिए होता है, मतलब सब कुछ मैकेनिकली काम करता है, और कीबोर्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और टाइपिंग एक्सपीरियंस इसके अंदर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जैसे कि आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ काफ़ी सही आ रही है, मतलब मज़ा आ जाएगा टाइप करके। तो ऐसे तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहने वाला है, और कीबोर्ड की क्वालिटी एकदम एकदम टफ सॉलिड और काफ़ी कॉम्पैक्ट सही है जो है कीबोर्ड है, मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं गिरेगा। यहाँ साइड से एक वायर निकलेगा और वो सीधा आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर जाकर लग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सा कीबोर्ड है, और इसके अंदर हमें आरजीबी लाइटिंग भी देखने को मिलती है, वो भी हम हमारा ये यूएसबी जो है कनेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी जो लाइटिंग है वो किस तरीके की देखने को मिलती है। सो गाइज़, ये कनेक्ट हो चुका है और इसके अंदर जो आप लाइटिंग देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके की इसमें लाइटिंग है, काफ़ी सही फील होता है ये। और इसमें सारे कलर्स हैं, आरजीबी लाइटिंग है इसके अंदर। यहाँ से हम इसको चेंज कर इसमें आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम मोड्स चेंज कर सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए वैसा हम मोड सेलेक्ट कर सकते हैं लाइटिंग के लिए। जैसे ये वाला है जहाँ पर हम की प्रेस करेंगे वहाँ पर हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है, इवन एस्केप पर भी। तो काफ़ी एक अच्छी सी चीज़ है ये, इसमें हमें काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये तो ये काफ़ी एक अच्छा सा प्रोडक्ट है, ये हमें 4000 रुपीज़ का पड़ा है अमेज़न से। तो आप डेफिनेटली अगर एक मैकेनिकल कीबोर्ड जिसके अंदर आरजीबी लाइटिंग वगैरह सब आप चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही सही मैकेनिकल कीबोर्ड है और इसमें आपको काफ़ी सारे मोड्स लाइटनिंग के लिए देखने को मिल जाते हैं, और इसका मटेरियल भी काफ़ी रिजिड टफ वगैरह है, तो आप ले सकते हैं। इसकी केबल भी काफ़ी मज़बूत और लंबी है, तो मुझे ये काफ़ी प्रोडक्ट सही लगा 4000 रुपीज़ के प्राइस टैग के साथ आने वाला। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करें। तो यही था आज का हमारा EUSO Z11 RGB मैकेनिकल कीबोर्ड का क्विक अनबॉक्सिंग प्लस शॉर्ट रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजिक। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।